हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीवीआर स्टडी। फ्रेंड्स, आज पढ़ने चल रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फ्रेंड्स, इसके पहले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जैसा कि आप लोग पढ़ चुके हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में दो टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला टाइप क्या है, यदि क्वेश्चन वर्ड, यदि क्वेश्चन वर्ड वाक्य के बीच में आए। क्वेश्चन वर्ड आप लोग मालूम ही है क्या होता है, जैसे क्या, क्यों, कहाँ, कैसे इत्यादि। और सेकंड टाइप्स क्या है, जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है ना। तो पहला देखते हैं, जब वाक्य के बीच में क्वेश्चन वर्ड आए, क्वेश्चन वर्ड आए, तो इसका अनुवाद करने के नियम क्या है। सब पहले देखते हैं, क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वाज वर, वाज वर प्लस सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद क्या होता है, मेन वर्ब। मेन वर्ब वही आईएनजी है ना, चौथी फॉर्म अर्थात फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन वर्ड। तो एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल क्या कह रहा है, सम्राट अशोक, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म, बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, प्रचार करने के लिए पूरे संसार में क्या कर रहे थे, पूरे संसार में क्या कर, क्या कर रहे थे। सम्राट अशोक बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे संसार में क्या कर रहे थे, तो देखते हैं इसका ट्रांसलेशन क्या है। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड, तो क्वेश्चन वर्ड क्या है, क्या, अर्थात व्हाट सब लिखेंगे, क्वेश्चन वर्ड की इंग्लिश क्या है, व्हाट है ना। फिर सम्राट अशोक क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके लिए वाच, वाच। फिर सब्जेक्ट है सम्राट अशोक, अशोक क्या प्रॉपर नाउन है, और प्रॉपर नाउन के पहले कोई भी एडजेक्टिव आता है, द का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, द एम्परर, एम्परर, एम्परर सम्राट अशोक है ना, अशोक, अशोक धर्म का प्रचार करने के लिए पूरे संसार में क्या कर रहे थे। अब सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट बाद मेन वर्ब करना, डूइंग, कर रहे थे है ना, मेन वर्ब कर रहे थे, क्या कर रहे थे, प्रचार करने के लिए, डूइंग टू प्रोपेगेट, प्रोपेगेट इन्फिनिटिव है, प्रचार करने, किसका प्रचार करने के लिए, बौद्ध धर्म का, प्रोपेगेट द बुद्धिस्म, बुद्ध, बुद्धिस्म ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड है ना। व्हाट वाई द एम्परर अशोक डूइंग टू प्रोपेगेट द बुद्धिस्म ऑल ओवर द वर्ल्ड। एक और इसी टाइप से देख लेते हैं, तुम उस कक्षा में, उस कक्षा में अंग्रेजी
किसे पढ़ा रहे थे? किसे पढ़ा रहे थे? क्वेश्चन वर्ड क्या है? किसे, हुम, हुम। अब तुम क्या है? तू हमारा सब्जेक्ट है ना, प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहाँ वर लिखा जाएगा। वर सब्जेक्ट क्या है? यू, पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग। पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे? अंग्रेजी, इंग्लिश, इंग्लिश। अब उस कक्षा में, तो यहाँ प्रीपोजिशन पहले लिखा जाएगा, इन दैट क्लास, इन दैट क्लास हुम वर यू टीचिंग इंग्लिश इन दैट क्लास, है ना। तो अब देखते हैं सेकंड, सेकंड टाइप किस प्रकार का है। सेकंड टाइप्स, जब वाक क्या से शुरू हो, जब वाक क्या से शुरू हो, जब वाक क्या से शुरू होता है तो हेल्पिंग वर्ब से वाक को क्या करते हैं? शुरू करते हैं। वाक को हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाज वर सब्जेक्ट मेन वर्ब चौथी फॉर्म ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब की चौथी अवस्था है ना, टेंस तो वही है। क्या यह आदर्श व्यक्ति, आदर्श व्यक्ति अपने कर्तव्यों, अपने कर्तव्यों का निर्वाह, अपने कर्तव्यों का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक कर रहा था, ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी पूर्वक कर रहा था। कर रहा था। तुम्हारा वाक्य कैसे शुरू है? तब हम ट्रांसलेशन से कैसे शुरू करेंगे? हेल्पिंग वर्ब से। तो सब्जेक्ट क्या है हमारा? व्यक्त या आदर्श व्यक्ति। क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है ना, तो वाच, वाच दिस माने या आदर्श व्यक्ति, आइडियल पर्सन, आइडियल पर्सन, आइडियल पर्सन क्या कर रहा था? निर्वाह कर रहा था, परफॉर्मिंग, परफॉर्मिंग किसका निर्वाह कर रहा था? अपने कर्तव्यों का, है ना, हिज ड्यूटीज, हिज ड्यूटीज, हिज ड्यूटीज, अपने कर्तव्यों का ईमानदारी पूर्वक, ऑनेस्टली, वाज दिस आइडियल पर्सन परफॉर्मिंग हिज ड्यूटीज ऑनेस्टली, ईमानदारी पूर्वक। अब देखते हैं इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक नकारात्मक वाक, अर्थात ऐसा वाक जिसमें नकारात्मक शब्द और प्रश्नवाचक शब्द दोनों शामिल हो। जैसे इसका नियम क्या है पहले देखते हैं। जब वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आए, प्रश्नवाचक शब्द आए,
इसका अनुवाद करने का नियम सेम है, सिर्फ नॉट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, सब्जेक्ट के जस्ट बाद। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब, है ना, वही सेम है वाज वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे नॉट का प्रयोग, फिर मेन वर्ब, मेन वर्ब वही चौथी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। एग्जाम्पल देखते हैं, तुम कक्षा में उन विद्यार्थियों को, उन विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, पढ़ा रहे थे। कह रहा तुम कक्षा में उन विद्यार्थियों को क्यों नहीं पढ़ा रहे थे, ये प्रश्नवाचक शब्द क्यों लगा हुआ है और यहाँ पे नहीं शब्द लगा हुआ है, अर्थात इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, है ना। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लेते हैं, भाई, भाई वर हेल्पिंग वर्ब है, इसी के जस्ट बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट का प्रयोग, कोई अंतर आया, है ना, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट बाद नॉट, केवल नॉट का परिवर्तन है, नॉट का यूज सब्जेक्ट के बाद कर दिए। अब मेन वर्ब क्या है, पढ़ाना, टीचिंग, टीचिंग पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, उन विद्यार्थियों को, दोज स्टूडेंट्स, दोज स्टूडेंट्स कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, व्हाई वर यू टीचिंग दोज स्टूडेंट्स इन द क्लास, व्हाई वर यू नॉट टीचिंग दोज स्टूडेंट्स इन द क्लास। एक वाक्य और देखते हैं, मैं अपने मित्रों के साथ, मैं अपने मित्रों के साथ नदी में स्नान क्यों नहीं कर रहा था वाई, आई के साथ वाज लगाते हैं तो यहां पर वाच, आई नॉट वाथिंग, आई वाच, ओ सॉरी, वाई वाज आई नॉट वाथिंग, स्नान कर रहा था किसके साथ, अपने मित्रों के साथ, विथ माई फ्रेंड्स, विद माई फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ, इन द रिवर, इन द रिवर, व्हाई वाज आई नॉट बाथिंग विद माई फ्रेंड्स अपने मित्रों के साथ इन द रिवर। अब देखते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, तो देखते हैं जब हमारा वाक्य क्या से शुरू होता है, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू हो, जब वाक्य क्या से शुरू होता है, तो
क्वेश्चन वर्ड को हटा देते हैं, सेम वही है हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब सब्जेक्ट नॉट मेन वर्ब, मेन वर्ब चौथी अवस्था प्लस सब्जेक्ट। देखते हैं एग्जांपल, एग्जांपल क्या कहता है, एग्जांपल एग्जांपल क्या कह रहा है, क्या वह न्यायाधीश उस कुख्यात आतंकवादी को छोड़ने के लिए घूस नहीं ले रहा था, हमारा वाक्य किससे शुरू है, क्या से शुरू है और बीच में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ है, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन हम किससे शुरू करेंगे, हेल्पिंग वर्ब से। क्या वह न्यायाधीश है ना, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो वाज से शुरू करेंगे, वाज वह न्यायाधीश, दैट जज, दैट जज। अब नहीं का प्रयोग हुआ इसी के जस्ट बाद, सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट का प्रयोग करेंगे, नहीं ले रहा था, लेना क्या है मेन वर्ब है, टेकिंग, टेकिंग क्या ले रहा था, घूस, ब्राइब, ब्राइब घूस ले रहा था, क्या करने के लिए, उस आतंकवादी को, सॉरी कुख्यात आतंकवादी को छोड़ने के लिए, टू लीज, टू रिलीज छोड़ने के लिए, किसे छोड़ने के लिए, उस कुख्यात आतंकवादी, आतंकवादी क्या है ऑब्जेक्ट है ना, नाउन है, और नाउन के पहले क्या है एडजेक्टिव है, दैट उस नोटोरियस, नोटोरियस माने होता क्या है, कुख्यात आतंकवादी, टेररिस्ट, टेररिस्ट है ना, वाज दैट जज नॉट टेकिंग ब्राइब टू रिलीज दैट नोटोरियस टेररिस्ट, कुख्यात आतंकवादी। एक और देखते हैं, क्या मैं कक्षा में अपनी पुस्तक नहीं पढ़ रहा था। इसका ट्रांसलेशन देख लेते हैं, क्या से शुरू हुआ है वाक, तो वाच, क्योंकि वाच आई के साथ लगता है, आई सब्जेक्ट के बाद जस्ट बाद नॉट, पढ़ना रेड, रीडिंग क्या पढ़ रहा था, अपनी पुस्तक, माई बुक कहां पर, कक्षा में, इन द क्लास, इन द क्लास, वाज आई नॉट रीडिंग माई बुक इन द क्लास। एक और देख लेते हैं, लास्ट वाक देखते हैं, लास्ट वाक एक टेस्ट के तौर पर देखते हैं, That criminal confessing
नॉट का प्रयोग, नॉट कन्फेसिंग, डैश है ना, डैश दैट क्रिमिनल नॉट कन्फेसिंग हिज क्राइम, हिज क्राइम बिफोर दैट जज, देखिए क्या कह रहा है, आपके सामने सेंटेंस है, डैश दैट क्रिमिनल नॉट कन्फेसिंग हिज क्राइम बिफोर दैट जज, फर्स्ट ऑप्शन है इच सेकेंड ऑप्शन हैव थर्ड ऑप्शन आर और चौथा और लास्ट ऑप्शन वाच है ना, देखते हैं क्या कह रहा है, डैश दैट क्रिमिनल क्या वह अपराधी नॉट कन्फेसिंग स्वीकार नहीं कर रहा था हिज क्राइम अपना अपराध बिफोर दैट जज उस न्यायाधीश के सामने है ना, क्या वह क्रिमिनल उस न्यायाधीश के सामने अपना अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था, तो यहाँ पे क्या चयन करना है, वर्ब, वर्ब क्या है प्लूरल है पास्ट कंटिन्यूअस की और हमारे सामने सब्जेक्ट क्या है दैट क्रिमिनल सिंगुलर, सिंगुलर सब्जेक्ट है तो क्या होगा ये कट गया वर्ब, अब दूसरा क्या हैव किस टेंस की है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की तो ये कट गया क्योंकि यहाँ पे क्या है आईएनजी आया है, आईएनजी आया अर्थात या तो इज आर एम आर आना चाहिए या तो वाज वर आना चाहिए या शैल बी विल बी है ना, तो यहाँ पे क्या है आर, आर इसलिए कट गया क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है, अब बचा क्या है वाज, वाज सिंगुलर है ना इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा वाज, क्या जब हमारा वाक्य हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है क्या शुरू करते हैं अर्थ, क्या वह न्यायाधीश उस न्याय क्या वह अपराधी उस न्यायाधीश के सामने अपराध अपराध स्वीकार नहीं कर रहा था। ओके फ्रेंड्स अब यहीं पर ये क्लास समाप्त होती है, कल से आप पढ़ेंगे प्रेजेंट पास्ट परफेक्ट टेंस, सॉरी पास्ट परफेक्ट टेंस।